Hi friends, myself Karima Jain. Welcome in my creativity channel. मैंने आपको किले से बहुत सारी चीज़ें बनाना बताई हैं. लॉकडाउन के चलते आपको किले मिलेगा कहाँ से, इसलिए मैं आज आपको होममेड किले बनाना बताऊँगी. ये किले एयर ड्राई किले होता है, एयर लगने से ही ड्राई होगा. बाकी आप इसको एयर टाइट डिब्बे में या फिर एयर टाइट पन्नी में रखेंगे तो आप इसको 1 से 2 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं. इससे आप साड़ी पिन बना सकते हैं और ज्वेलरी बना सकते हैं और हेयर क्लिप्स बना सकते हैं. और इसका यूज़ किस तरह से करना है वो अपनी आने वाली वीडियोस में बताती जाऊंगी. चलिए अभी ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है. बनाया है और एक ये वाइट रखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बाउल कॉर्नफ्लोर ले लेंगे. उसमें एक ही बाउल फेविकॉल का मिला लेंगे. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. अब इंडक्शन को ऑन कर देंगे तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे. इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे. विनेगर है ये खाने की कुछ चीज़ें बनती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, वाइट विनेगर है ये. इसमें 1 चम्मच डाल देंगे और एक चम्मच इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे. अब इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे. ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है. जब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा अभी 1 सेकंड के लिए इसको ऑफ कर देंगे. और यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर लिया है, ये एक्रेलिक फैब्रिक कलर है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट कलर डाल दूँगी इसमें. ये देखिए हमारा बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है और वाइट कलर डालने से ये एकदम वाइट हो गया है. पहले ऑफ वाइट था, अब ये एकदम वाइट हो गया है. इंडक्शन को बंद कर देंगे और इसको नीचे ले लेंगे. इसको मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है और प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है पट्टे पर. अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों से फैट के एक सा कर दूंगी. ये देखिए हमारी एकदम एक सा हो गया है. अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा ऑयल हाथ में ले लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे. अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहा है, एकदम स्मूथ और बहुत सॉफ्ट क्ले बन के हमारा तैयार हो गया है. अब मैं इसको एक एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख दूँगी. इसको आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला है. और इसको यूज़ करने में इसको आप साड़ी पिन, ज्वेलरी, इस टाइप की कोई भी चीज़ बनाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होगा. मैं इसकी अगली वीडियो में आपको इससे गणेश बनाना बताऊँगी. गणेश जी का बहुत सुंदर स्ट्रक्चर आपको बनाना बताऊँगी. और आप इसको कलर्ड भी कर सकते हैं. ये देखिए ये थोड़ा सा क्ले मैंने ले लिया था, इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर दूंगी. ये मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर लिया है, इसको मैंने रेड कलर ले लिया है और इसको बस रेड कलर में बहुत अच्छे से घुमाते जाएंगे तो ये बिल्कुल रेड हो जाएगा. देखिए रेड कलर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है. अब उसके बाद में ये थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर का कर दूंगी. इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये
ये देखिए मेरे ग्रीन कलर का भी तैयार है, इसको मिक्स अच्छे से करना है। ये मेरा ग्रीन कलर का क्ले भी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसमें मेरा वाइट वाला क्ले रखा है, ये रेड वाला है। इससे आप बहुत सुंदर साड़ी पिन, ज्वेलरी और हेयर क्लिप्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे ग्रीन कलर का क्ले और ये रेड कलर का क्ले, ये मैंने अभी एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख दिया है। ये आपको बनाना क्या क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सुंदर इसका यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें। और यह आप एक महीने तक इसी तरह से रखे रह सकते हैं, और भी ज़्यादा रखे रह सकते हैं। बस इसका ये है कि इसमें एयर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एयर ड्राई क्ले के नाम से ही है, इसमें एयर लगेगा और ड्राई हो जाएगा। इसलिए ये देखिए मेरी क्ले बन के तैयार है। आप इसको लॉकडाउन में घर पे ही बनाइए और बहुत यूज़ कीजिए और अपने आर्ट को निखारिए।